अब हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एक जीन के बेसिस पर कि जीन का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे होता है। अब हम दो जीन्स के मदद से दो ट्रेट्स या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम ये स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स कैसे पॉसिबल हो पाता है। मेंडल के एक्सपेरिमेंटल वर्क के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो जीन्स का या दो ट्रेट्स का या दो कैरेक्टरिस्टिक का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था, बिल्कुल वैसा ही डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी एक्सपेरिमेंट किया गया मेंडल के थ्रू। उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया पी प्लांट्स में, पर इसमें क्या लिया गया, दो डिफरेंट ट्रेट्स, दो पी प्लांट्स लिए गए जो कि डिफर करेंगे इन टू ट्रेट्स। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स टू, तो दो अलग अलग ट्रेट्स को लेकर हाइब्रिड क्रॉस किया गया और उसका रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के एंड में पता लगाया गया। तो वो दो ट्रेट्स क्या क्या थे, हम पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सीड के शेप और सीड के कलर को दो ट्रेट के रूप में लिया गया है। सीड शेप में क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर में क्या है, येलो एंड ग्रीन। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्रॉस कराया गया है बिटवीन होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड एंड होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्योर ब्रेड राउंड एंड येलो सीड के प्लांट को क्रॉस कराया गया प्योर ब्रीड के रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ। तो ये दोनों हो गए हमारे पेरेंट जेनरेशन, पेरेंट जेनरेशन। हमारे पास एज अ रिजल्ट F1 जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग विथ क्या क्या फिनोटाइप या जीनोटाइप में हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे इन F1 जनरेशन। तो जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगा, उसी तरह से जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन को देखते हैं तो इसमें भी हमें क्या मिलेंगे, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग विथ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, येलो एंड राउंड। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो खो गया या वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं या क्या कहेंगे कि जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो हिडन स्टेट में होंगे। यानी कि जब हम F2 जनरेशन में जब प्लांट्स F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया जाएगा और F2 जनरेशन जब आएगा तब हम उसमें देखेंगे कि रेसेसिव ट्रेट भी उभर कर बाहर आता है, यानी कि फिनोटाइप में रेसेसिव ट्रेट भी नजर आएगा। तो हमारे पास F2 जनरेशन में आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग हम क्या पाते हैं, F2 जनरेशन का आउटकम क्या होगा, 9 येलो एंड राउंड सीड, 3 ग्रीन एंड राउंड सीड, 3 येलो एंड रिंकल सीड एंड 1 ग्रीन एंड रिंकल सीड। ये कैसे होगा ये हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमें रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक एज अ फीनोटाइप इन एनी वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग हमें बिल्कुल मिलेगा। तो जब हम मेंडेलियन वर्क या मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन जब हम लोग देखते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम ये देख पाते हैं कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट डिस्प्ले हुआ था, यानी कि येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड, जो कि क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एज अ फीनोटाइप हमें ऑफस्प्रिंग में नजर आए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हिडन ट्रेट है F1 जनरेशन में वो री अपियर करते हैं इन F2 जनरेशन, लेकिन उसमें किसी भी तरह का बदलाव नजर नहीं आता है। रेसेसिव ट्रेट जिस भी कंडीशन में है, चाहे वो रिंकल है या ग्रीन, वो F2 जनरेशन में रिंकल्ड एंड ग्रीन के रूप में ही नजर आएंगे, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नजर नहीं आएंगे। और लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा है कि चार तरह के अलग अलग प्लांट्स हमें F2 जनरेशन में मिलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, चार अलग अलग टाइप के प्लांट्स। तो अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड को क्रॉस कराया गया है होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ। ये हो जाएगा हमारा पेरेंटल जेनरेशन। यानी कि अब सबसे पहले क्या जरूरी है, गैमीट फॉर्मेशन। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसलिए क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट्स को डिस्प्ले करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई इसलिए क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट को डिनोट करेंगे। तब F1 जेनरेशन में जब दोनों गैमीट आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि हमारे पास दोनों डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। यानी कि F1 जेनरेशन में हमें क्या मिलेंगे, सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, राउंड एंड येलो। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट ट्रेट के साथ नजर आएंगे विथ राउंड एंड येलो सीड कैरेक्टरिस्टिक। F2 जनरेशन के रिजल्ट को जानने के लिए क्या करना होगा, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को सेल्फ क्रॉस यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराएंगे हम सिर्फ फिर से F1 जनरेशन के ही ऑफस्प्रिंग के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें जो गैमीट फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी वही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टीडियस टास्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर पॉसिबल गैमीट्स हमारे पास आए हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, सेग्रेगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे गैमीट्स, जो चार गैमीट्स हमारे पास आए हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को अलग करते हैं एक दूसरे के साथ। रैंडमली कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इंटरमिंगलिंग मिक्सिंग अप यहाँ पे नहीं हो रही है, सारे के सारे गैमीट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रेगेट हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात पॉइंट करने की ये है कि हम यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। जब हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलते हैं तो जो दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने फर्दर डिस्कवरीज की, फर्दर स्टडी की जेनेटिक्स के फील्ड में, तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो एक साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ फिक्स्ड पेयर में ही होते हैं, वो अपने पेयर को छोड़कर या अपने पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे जीन के साथ लिंक नहीं करते हैं। यहाँ पर करेंटली हम जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं तो मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम ये स्टडी करते हैं कि जो एलील्स हैं या जो जीन्स हैं, जो गैमीट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रेगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्यूनिट स्क्वायर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस ट्राईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो ट्रेट तीन ट्रेट चार ट्रेट या इससे अधिक ट्रेट को जब हम स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी जब हम करते हैं, तो प्यूनिट स्क्वायर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। क्यों? क्योंकि प्यूनिट स्क्वायर की मदद से हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने ऑफस्प्रिंग हमारे डोमिनेंट ट्रेट के साथ हैं, कितने ऑफस्प्रिंग हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट में है, हेट्रोजाइगस ट्रेट में है, होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में है। तो प्यूनिट स्क्वायर हर समय हमारी मदद करेगा हर फिनोटाइप या जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में प्यूनिट स्क्वायर को स्टडी करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब हम दोनों तरफ से गैमीट्स को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह से नजर आते हैं।
अब इसमें जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है इनमें हमें क्या फिनोटाइप और क्या जीनोटाइप मिलते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। जब जब भी हमें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई मिलता है, यानी कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो डोमिनेंट ट्रेट के साथ है राउंड एंड येलो, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई हमारे पास कितने हैं, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि हमारे पास 9 ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जो कि राउंड एंड येलो यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ हैं। अब दूसरा हम देखेंगे राउंड एंड ग्रीन, हमारे पास कितने ऑफस्प्रिंग आते हैं, यानी कि कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई के साथ, तो वो है हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि राउंड एंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग हमारे पास 3 है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिंकल्ड एंड येलो हमारे पास कितने हैं। रिंकल्ड एंड येलो में हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो वो कितने हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास 3 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो कि रिंकल्ड एंड येलो सीड के साथ होंगे, और लास्ट हमें मिलता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक ही है विथ स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फिनोटाइप के बेसिस पर हमारे पास रेशियो क्या आएगा, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 9:3:3:1। तो जब हम फिनोटाइप के बारे में यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक या जो ट्रेट ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेस करेगा अपने में, वो हो गया फिनोटाइप, जो हमें एक्चुअली नजर आएगा उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में वो हो गया हमारा फिनोटाइप। और हमारे पास फिनोटाइप 3:9:3:3:1 के रेशियो में है। अब हम जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो वो भी हमें एक एक करके इसमें से ढूंढ कर निकालना पड़ेगा कि कितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हमारे पास है, यानी कि हमारे पास फिनोटाइप के कंपैरिजन में जो जीनोटाइप का रेशियो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने क्या किया, एक कन्फर्मेशन दिया। क्या कन्फर्मेशन दिया, अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू भी हमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में समझाया और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग दी।